नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, IRFC कल इस शेयर के रिजल्ट आ रहे हैं और कई लोगों का ये स्पेकुलेशन है क्या डिविडेंड मिलेगा और क्या बोनस का अनाउंसमेंट होगा और रिजल्ट कैसे होंगे। और इतने समय से निफ्टी को ये जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये इस शेयर की खत्म होगी दोस्तों। प्लस हम ये भी जानेंगे दोस्तों कि IRFC को लेकर के हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी है और कल का रिजल्ट कैसा भी हो हमें एक चीज जो IRFC को लेकर के समझनी पड़ेगी कि IRFC एक्चुअली किन लोगों के लिए मेन फोकसली शेयर होना चाहिए और किनको IRFC से दूर रहना चाहिए, इस सब में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब सबसे पहले चलते हैं IRFC के शेयर की तरफ। आप देखिए आज 4% की रैली है दोस्तों, है ना। और 4% की रैली कब है, अगर पिछले 5 दिन में बात करूं कि वो 4% आएंगे तो 3% ज्यादा किसमें डाउन साइड होगी दोस्तों। और 1 महीने में 1% की भी रैली नहीं, 6% 6 महीने में देखिए तो निवेशकों के पैसे का लगभग बर्बादी किया दोस्तों, -6% का नेगेटिव रिटर्न है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को इतनी उम्मीदें IRFC से थी और उनकी उम्मीदों में ये ITC से भी ज्यादा बुरी कदर से ये उनकी उम्मीदों में खरा उतरा है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए मैं आपको एक चीज समझाऊं। आप एक चीज समझिए, पहला रीजन जो इसके रिजल्ट के जो इसके पिछले क्वार्टर रिजल्ट के बाद था वह डिविडेंड का ना डिक्लेयर होना। दोस्तों एक चीज देखिए, पिछली बार भी ऐसी हुआ था कि जब रिजल्ट आने वाला था उससे पहले IRFC भागने लग गया था, क्योंकि सबको पता लगा था कल पिछले बार कि भैया अब तो डिविडेंड ही देगी शेयर, लेकिन इसने डिविडेंड नहीं दिया और इसने कोई ग्रोथ भी नहीं शो की थी या कैपिटल अप्रिसिएशन मिला उनके शेयर प्राइसेस में। तो इसके कारण जो उसके शेयर होल्डर थे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था और उसी के बाद आप देखेंगे कि शेयर में लगातार गिरावट आ रही है दोस्तों तब से, ठीक है। और यही कारण है कि पिछले 6 महीने में ये लगभग 5% से तक का रिटर्न नेगेटिव रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे चुका है। दोस्तों दूसरी एक बात समझनी होगी कि प्योरली डिविडेंड प्ले स्टॉक है, प्योरली डिविडेंड प्ले स्टॉक है। और ये कब तक रहेगा दोस्तों, जब तक सरकार अपना स्टेक इसमें खत्म नहीं कर देती और घटा के 75% या जितना भी सरकना नहीं जाती। और उसके लिए उसे क्या लाना होगा दोस्तों, ऑफर फॉर सेल। और ऑफर फॉर सेल हमेशा कम कीमत में आता है दोस्तों, ज्यादा कीमत में नहीं आता है, ठीक है। तो ये कई शेयर होल्डर्स का ये प्रॉब्लम है और ये क्यों की सीरियस मैटर है मैं आपको इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और तीसरा ये है कि ये ना दोस्तों ग्रोथ स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है और इसने बहुत बुरी कदर लोगों के रिटर्न खाए, मैं बताऊं आपको। लेकिन IRFC उनके लिए जरूर अच्छा है जो कम से कम 5 साल तक के लिए रिटर्न रखते हैं दोस्तों, हॉरिजन रखते हैं। ये जो 5 साल से पहले रिटर्न नहीं देने वाला, मैं आपको बता दूं ऊपर अगर ये बहुत तेज भाग गया किसी दिन तो मुझे ये इससे ज्यादा तो भागता हुआ नहीं दिख रहा दोस्तों, 30 रुपए से ज्यादा। ये आप कंठस्थ कर लें अपने दिमाग में, ठीक है। ये तो बात हो गई दोस्तों शेयर होल्डर्स की। और जहां तक है दोस्तों, अब इसमें जो आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस चीज में वो क्या है, आप एक चीज देखिए कि सीधा मैं आपको लेके चलता हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और इसका काम क्या है दोस्तों, वैसे आपको पता है मैं बता दूं, IRFC इज द फाइनेंसिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है दोस्तों। ये जो इंडियन रेलवे की प्रोजेक्ट है उसे फाइनेंस करती है। और दोस्तों देखिए ये रेस फंड भी इसीलिए रेस करती है, ये देखिए आप IRFC टू रेस अप टू 3000 करोड़ वाया 10 ईयर NSDs, ठीक है। तो इनके ऐसा कुछ नहीं दोस्तों कि इनके पास फंड्स की कमी है, ये जब चाहे जितना चाहे ये फंड रेस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट की अच्छी खासी बैकिंग है दोस्तों। इसलिए इनके जो ये जो ऑफर जो ये अपने जो लाते हैं दोस्तों फंड रेस करने के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट या डिबेंचर्स, उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स इसलिए मिलता है क्योंकि वो जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो बहुत अच्छी रेटिंग्स देती हैं दोस्तों, ठीक है। और बैंकरप्ट होने का तो कोई चांस ही नहीं, गवर्नमेंट बैक्ड है। तो आप समझिए इस बार जो रिजल्ट आने वाला उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, डिविडेंड मुझे लगता है 100% श्योर है, है ना। मतलब मैं अपनी तरफ से 100% नहीं बोलना चाहिए, 99.9% श्योर हूं दोस्तों मैं कि डिविडेंड तो ये कंपनी इस बार देगी ही देगी। और मैं इतना ही यानी कितना दोस्तों, 99.9% किस बात पे श्योर हूं पता है आपको, कि जो बोनस है ना बोनस वो नहीं मिलेगा दोस्तों, इसका मैं 99.9% श्योर हूं। क्यों, क्योंकि अगर इशू प्राइस में
ये कंपनी होती है इश्यू प्राइस से भी इतना नीचे डाउनग्रेड कर रही है, और अगर कोई बोनस देते है कंपनी में तो जो यहाँ जो टॉप मैनेजमेंट बैठा है ना दोस्तों वो मूर्ख नहीं है, मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर ये शेयर IRFC मैं बता दूं अगर ये 50 रुपए के आसपास रहता तो मैं शायद सोच रहा रहता कि शायद लोग बोनस देंगे। दोस्तों इशू प्राइस से भी कम में कौन देगा आपको बोनस, ये समझिए आप बात को। कोई भी अगर आपको कह रहा है कि IRFC कल शायद बोनस दे दे तो वो मुझे एकदम गलत लगता है, और अगर कंपनी देती भी है तो मैं दोस्तों तुरंत निकल जाऊंगा इस कंपनी से। सॉरी, इसका फिलहाल तो मेरा कोई होल्डिंग ही नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं अगर होगा ना खरीदने की सोच रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा होगा कि बोनस देती है तो उसमें कोई लायक नहीं रहेगा शेयर, मैं बता दूं, क्योंकि बोनस के बाद इसमें गिरावट जारी रहेगी और इसकी जो ग्रोथ है ना दोस्तों जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बोनस के बाद स्टॉक बहुत कंसोलिडेट करते हैं और ये तो वैसे ही स्लो मूविंग स्टॉक है दोस्तों। तो दोस्तों फंडामेंटली स्टॉक को देखेंगे तो आपकी आंखें घूम की रह जाएंगी दोस्तों। अब देखिए कि 30,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है दोस्तों, ठीक है, और इसका जो हाई की तरह है 26.7 है ना, और लो की तरह 20.8%, डिविडेंड यील्ड इसकी 4.5% की है, और अगर ये इस बार दे देती है दोस्तों डिविडेंड तो 8 से इस साल आप देखिएगा लगभग 8% की डिविडेंड देगी, ये ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों, ठीक है। ROC 5%, ROE ये क्यों दोस्तों, ये PSU कंपनी उनकी इतनी ही रहती है, PSU कंपनी से ज्यादा इन सब की उम्मीद नहीं करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये ना ग्रोथ स्टॉक नहीं है, आप एक और चीज अपने दिमाग में रखिए, ये वो स्टॉक नहीं है जो आपके पैसे को फुर करके उड़ा देंगे और केवल 1 या 2 महीने में 2-3 गुना कर देंगे, ये दोस्तों केवल कुशल का काम करते हैं, मार्केट की गिरावट में ये आपके पैसों को बचा के रखेंगे। मार्केट जहां 15% गिरेगा दोस्तों ये केवल और केवल मैं बता दूं आपको 7 से 8% तक की ही गिरावट देंगे दोस्तों, और बहुत ज्यादा हुई तो 10% की, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये भागने जब शेयर बुल रन में होता है ना मार्केट तब भी इतने शेयर होल्डर्स को अपने रिटर्न नहीं कमा के देते हैं, और ये प्योरली डिविडेंड प्ले स्टॉक है दोस्तों, ये आप अपने दिमाग में रख लें, ठीक है। अब आप देखिए आगे इसमें कौन क्या बोल रहा है, दैट कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन, दोस्तों ये ना कौन सा नहीं है बताओ, ये PSU है, ये कौन सा नहीं, PSU बैंक, ये PSU स्टॉक है, तो PSU स्टॉक में आपको हमेशा यही दिखाई देगा, आप ध्यान दीजिएगा। और अब इसके प्रोस में आऊं तो आप क्या पाएंगे, प्रोस में आप पाएंगे ट्रेडिंग 0.84 टाइम, मतलब अपने अंडर वैल्यू स्टॉक ही है, कंपनी गुड डिविडेंड 4.5% से ज्यादा की डिविडेंड दे रही है, ये अच्छी चीज है, कंपनी हैज डिविडेड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39% CAGR ओवर द लास्ट 5 इयर्स, मतलब आप समझिए ये वो कंपनी जो 39% ज्यादा का रिटर्न दिया है, और दोस्तों कोविड की जो लहर आई थी ना उसमें ये कुल चुनिंदा स्टॉक में था कि जो इसमें गजब की रैली दिखाई, उसके बाद भी इसमें इसके जो फाइनेंशियल्स थे उसमें कोई असर नहीं पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट बैक कंपनी और रेलवे में फाइनेंस करने का क्या फायदा होता है दोस्तों, इनके रेवेन्यू में कोई डेंट नहीं आया, और जो कंपनी की जो आप कहेंगे कि जो मैनेजमेंट की तरफ से आई थी जो मैनेजर जो स्पीच आई थी जो गाइडलाइंस आई थी, उनका मानना था कि कोविड से इनको थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है पर उतना नहीं, और कोविड-19 की जो थर्ड लहर आएगी उसके बाद ही ये डिसाइड कर पाएंगे कितना पड़ेगा, तो उनका मानना है कि आने वाले समय में भी कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा अभी तो करंटली विजिबल नहीं है जो इनके जो फाइनेंस को है वो कोई भी डेंट दे पाए, ठीक है दोस्तों, यानी फुल प्रूफ प्लान है दोस्तों, आने वाले कई सालों तक का इनके पास पूरी रेवेन्यू विजिबल है दोस्तों इनकी, इसलिए कि अच्छे स्टॉक्स में आता है दोस्तों, है ना, लेकिन PSU इसलिए रन नहीं देता। आप सेल्स देखिए, है ना, इनकी सेल्स देखिए आप, जहां ये 3,640 करोड़ थे December 2019 में, वो आप देखेंगे कि March 2021 में 4,455 हो चुके हैं, और कब है दोस्तों जब इसमें COVID-19 की सेकेंड लहर ऑलरेडी आ चुकी है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के सेल्स लगभग आधे से भी कम हो गए थे, ठीक है दोस्तों। तो अब आप आगे देखिए इनकी ये हो गई, आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 100%, 98%, 99%, आप इनके नेट प्रॉफिट देखिए, जहां ये 907 करोड़ थे बढ़ के 1,483 करोड़ हो गए, मतलब ये दोस्तों ना बहुत ही अच्छे तरीके से इनका रेवेन्यू मॉडल है और लगातार ये बढ़ते ही चले जाएंगे दोस्तों, इसमें कोई भी आने वाले 3 से 5 साल में तो कोई भी आप गिरावट नहीं देखेंगे, ठीक है, लेकिन इनके पास जो तलवार लटकी ना दोस्तों वो पहली क्या है मैंने आपको बताया आगे की 86% है इनकी गवर्नमेंट की होल्डिंग, ठीक है, और दूसरा क्या पता है प्राइवेट प्लेयर की एंट्री,
इनके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि शायद गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर को भी एंट्री करवा दे फाइनेंसिस को लेकर के, और अगर वो होता है दोस्तों आप देखेंगे ये आधा, मुझे लगता है 30-40% तुरंत से 1 या 2 महीने में गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी फिलहाल तो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान आई थी 1-2 महीने पहले कि इनका कोई भी ऐसा इंटेंशन अभी नहीं है प्राइवेट प्लेयर की एंट्री कराने का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें चलते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज की शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा दोस्तों। आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका दोस्तों, और आप पाएंगे कि एक कंपनी ना दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग तो आप देखिए इतनी है, और 3 से 4 सालों में बता दूं 3 साल में 75% स्टेक लानी पड़ती है दोस्तों, और यही इसका सबसे ज्यादा डरावना है शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन दोस्तों मैं मानता हूं अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो ना तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप ट्रेड या पोजिशनल ट्रेडर हो तो शायद आपको थोड़ा इससे अवॉइड रहना चाहिए, और पोजिशनल ट्रेडर्स को तो ऐसे जो ग्रोथ स्टॉक नहीं है उनमें से तो दूर ही रहना चाहिए दोस्तों। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जहां मार्च 2021 में FIS की होल्डिंग 1.44 थी, वो घट के देखिए कितनी हो गई है 0.86 दोस्तों, और जो DIS है उनकी होल्डिंग 4.23 वो भी घट के 3.74 हो गई है, और बढ़ाया कौन है हर बार की तरह पब्लिक दोस्तों, सब लगभग 7.97 थी जो दोस्तों बढ़ के 1% से भी ज्यादा 9.03 हो गई है। तो मैंने कहा ना पब्लिक को हर कोई मार चिपकाता है दोस्तों, और पब्लिक हमेशा खरीदती है, और FIS को पता है कि भैया ये ग्रोथ स्टॉक है नहीं, इसमें अपनी कम से कम ही वैल्यू रखें। इसे दोस्तों मेरा भी कहना है अगर आप एक वाकई 5 साल ईयर के 5 ईयर्स के लॉन्ग टर्म होल्डर शेयर होल्डर अगर आपका विजन है तो भी इसमें रहे, कल कुछ भी आए दोस्तों रिजल्ट, कल ये आपको शायद 2-4-5% आपको रिटर्न दे भी दे, 10-12% 20% की रिटर्न बहुत ज्यादा हुई तो एक दो हफ्ते में केवल, और डिविडेंड की 5% की। लेकिन दोस्तों इसमें आप लॉन्ग टर्म रहने के लिए आइए। हाँ ये है कि अभी आप खरीद सकते हैं, आपको आने वाले 1 हफ्ते में ये लगभग 10% के आसपास 10%+15% आसपास आपको रिटर्न दे दे, पर उसके बाद में फिर गिरावट आएगी, फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा दोस्तों, और फिर शायद धीरे धीरे ड्रैग हो, और इसकी कहानी हमेशा ही रहेगी क्योंकि ये एक PSU है दोस्तों। इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बैठा लें दोस्तों, और बोनस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला जब तक दोस्तों 50 रुपए पार ना कर ले। ठीक है दोस्तों, और डिविडेंड ये कल अगर डिविडेंड देता है दोस्तों आप देखेगा भागेगा, और अगर कहीं से दोस्तों 1% भी चांस हुआ कि मैनेजमेंट ने कहा कि हम डिविडेंड नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार उनका कहना था कि हम डिविडेंड दे चुके हैं और अब हम नहीं देंगे क्योंकि इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी देखना, आप एक सीवियर पेन देखेंगे दोस्तों इस कंपनी के शेयर में, सीवियर पेन मैं आपको बता रहा हूं जो पिछली बार से भी ज्यादा होगा, और शायद पिछली बार का जो डाउन है 20 रुपए 80 पैसे इसको तोड़ के ना दोस्तों ये शायद 18 या 15 कहां चला जाए पता नहीं दोस्तों, इसीलिए आपको ये दिमाग रखनी है। लेकिन मुझे लगा तो डिविडेंड तो मिलेगा ही, हाँ बोनस अगर आपके दिमाग में बिल्कुल निकाल दें बोनस 1 रुपए भी नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और अब मैं NSE की एक वेबसाइट में जाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये 3 बजे तक का डेटा अपडेट कर दिए होंगे तो हम देखते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम मैं आपको दिखाऊंगा और डिलीवरी पर्सन आप दिखाऊंगा तो कितने जबरदस्त हैं। जब तक मैं से रिफ्रेश कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज चैनल को इस वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं दोस्तों 3 बजे का डेटा आ गया है और आप देखिए 1,16,00,000 से भी ज्यादा शेयर ट्रेड हुए दोस्तों, और ये देखिए ये है स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज, ये है दोस्तों स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज, यानी सबको कल डिविडेंड की उम्मीद है और इसीलिए इतनी अचानक से सडन स्पाइक हुआ है दोस्तों, और ये सडन स्पाइक हुआ है कि नहीं इसका हम कंफर्मेशन कहां से करेंगे, हम हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे कि पिछले लास्ट अर्निंग सेशन में 86,000, 73,000, 76, मतलब आप देखिए कि इन सबको 86 लाख 73 लाख 2-3 ट्रेडिंग सेशन को मिला के भी आज जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है वो उससे ज्यादा हुआ है। इसीलिए दोस्तों आपको मैं बताऊं, प्लीज अगर आप सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आए डिविडेंड अच्छा खासा लें 5-6% और निकल जाए दोस्तों, और अगर लॉन्ग टर्म आपका, और लॉन्ग टर्म मेरा मानना है दोस्तों कम से कम 3 से 5 साल, ये अपने दिमाग में रखिए, अगर इतना आपका नहीं है ओरिजिन प्लीज इस शेयर से दूर रहें क्योंकि फिर ये कंसोलिडेट करेगा और आप फ्रस्ट्रेट होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरी राय IRFC को थी, कल रिजल्ट कैसे भी होंगे दोस्तों और रिजल्ट अच्छे होंगे जहां तक मुझे लगता है, हर बार की तरह इस बार भी IRFC के रिजल्ट माइंड बॉगलिंग होंगे, और डिविडेंड अगर मिलता है दोस्तों आप देखेंगे कि एक जबरदस्त इसमें आप शेयर में भागता हुआ देखेंगे, और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे 10 से 12% का आपको नॉर्मल अपसाइड मूव दिख सकता है।
तो दोस्तों ये वीडियो का अंत था, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।